नमस्कार साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमएससी फाइनल के जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस ऑप्शन पेपर फर्स्ट में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शन पीएफक्यू के कन्वर्जेंस कंडीशन के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा कि हमारा फंक्शन पी एफ क्यू कन्वर्जेंट होता है इफ पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, इफ पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू प्लस वन, देन इन द यूनिट डिस्क, एंड इफ पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन एंड दैट केस फंक्शन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट ऑन द डिस्क इफ रियल पार्ट ऑफ समेसन बी जे माइनस समेसन ऑफ ए आई इज ग्रेटर देन जीरो, वेयर बी जे एंड ए आई आर द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पैरामीटर ऑफ पी एफ क्यू। ये अपन ने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो के अंदर हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन टू एफ वन की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि हमने पहले पढ़ चुकी है, और उसका आगे एक्सटेंशन करेंगे पी एफ क्यू के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, वी नो दैट जेड वन माइनस जेड डी टू डब्ल्यू जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस वन इंटू जेड डी डब्ल्यू अपॉन डी ऑफ जेड माइनस ए बी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर टू एफ वन ए बी सी एंड जेड, ये हम स्टडी कर चुके। इफ यू टेक द ऑपरेटर थीटा इज जेड डी वाई डी जेड, देन द फर्स्ट इक्वेशन गिव्स और इट रिड्यूस थीटा and theta plus c minus 1 minus z theta plus a and theta plus b of omega बराबर 0। Also we know that we have discussed in the MSc previous if this is second number form the general सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट और वी से सेकेंड इज डब्ल्यू इज इक्वल टू ए ऑफ डब्ल्यू जीरो प्लस बी ऑफ डब्ल्यू वन, वेयर डब्ल्यू जीरो इज नथिंग बट द टू एफ वन ए बी सी एंड जेड एंड डब्ल्यू वन एंड दिस इज 2 raised to 1 minus c 2f1 a minus c plus of 1 b minus c plus of 1 and 2 minus c and z। तो हमने प्रीवियस के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखा कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जबकि हमारे पास पैरामीटर 2f1 के अंदर दो न्यूमरेटर पैरामीटर होता है और एक डिनोमिनेटर पैरामीटर होता है, और उसकी जगह ऑपरेटर अगर थीटा इज इक्वल टू जेड डी वाई डी जेड ले लेते हैं, तो उस केस के अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन हमारे पास ये बन गई। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन चाहते हैं पी एफ क्यू के लिए, हम एक्चुअल में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
for PFQ. PFQ means parameter such type PFQ. Here A1, A2 and AP and B1, B2 and BQ and Z. कुछ इस तरह की सी बात है. तो हम यहां देखेंगे कि जो इक्वेशंस है अपनी थीटा थीटा प्लस सी माइनस वन माइनस ऑफ जेड थीटा प्लस ए थीटा प्लस बी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड solution is in the case solution is 2f1 a b c and z. ये अपना hypergeometric function था. तो इस hypergeometric extension करते हैं अपन. of differential equation 2 डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पीएफक्यू. तो पीएफक्यू के लिए एक्सटेंशन करें तो हम यहां देख रहे हैं कि ए बी सी ये तीन पैरामीटर थे. इन तीन में से जो डिनोमिनेटर पैरामीटर सी है वो थीटा प्लस सी माइनस वन की फॉर्म में आया है. और यहां पर थीटा प्लस ए और थीटा प्लस बी आ रहा है. तो इसका मतलब मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की सी बनेगी. थीटा एक थीटा रहेगा थीटा प्लस सी माइनस वन. तो जितने भी आपके पैरामीटर्स है इसको चेंज कर रहे हैं अपन पीएफक्यू के लिए. तो पीएफक्यू के हम अपन देखा कि यहां पर ए वन ए टू से लेकर ए पी चल रहा है और बी वन बी टू से लेकर अपन बी क्यू तक जा रहे हैं अपन. तो जो डिनोमिनेटर पैरामीटर सी था उसकी जगह बी वन बी टू बी वन बी क्यू टोटल क्यू पैरामीटर अपने पास नए में आ गए. तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे कि थीटा प्लस बी जे माइनस वन जे इज इक्वल टू वन टू क्यू. जितने भी डिनोमिनेटर पैरामीटर थे बी वन बी टू बी क्यू उन सबके क्रोस्पॉन्डिंग एक फैक्टर थीटा प्लस बी जे माइनस वन लिखते हैं माइनस ऑफ जेड. अब हम देख रहे हैं कि यहां पर थीटा प्लस ए थीटा प्लस बी टाइप का फैक्टर है जिसके अंदर ए और बी हमारे गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के न्यूमरेटर पैरामीटर ए और बी है. तो गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ए और बी के क्रोस्पॉन्डिंग पी एफ क्यू के अंदर न्यूमरेटर पैरामीटर ए वन ए टू ए पी है. सो वी कैन टेक दिस फैक्टर इज थीटा प्लस ए आई एंड आई इज इक्वल टू वन टू पी. वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ थीटा प्लस ए आई फैक्टर एंड देन W इज इक्वल टू जीरो. तो ये हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पी एफ क्यू. अब सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो हमने अभी देखा कि जो गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है उसका जनरल सॉल्यूशन था W इज इक्वल टू ए ऑफ W जीरो प्लस बी ऑफ W वन जहां पर W0 इज नथिंग बट द गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन 2f1 abc z बट W1 इज टेकिंग इन दिस फॉर्म. सो इस W1 यहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो q प्लस वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. हम यहां कंसिडर करेंगे कि जो p है अपना दिस इज लेस देन और इक्वल टू q प्लस वन. Since in this case the Gauss generalized hypergeometric function is convergent, so we will take J is equal to 1 to Q factor as a order of differential equation. So the differential order of differential equation is Q plus 1. It means this gives the total Q plus 1 solution. Instead of 2f1, we see that the differential equation have only two solution because the value of q plus 1 is 2 here. So the solution form will be three maybe c
C1W0 plus C0W0, C1W1 plus C2W2 and so on. This linear combination is will be solution, where W0 is simple PFQ. Writing in this short form, and WJ, this is important. What should we take for WJ? This WJ, this is W1. We see that the W1 is equal to 2^1 - c. So 1 - c, c is the denominator parameter. So we will take one of the denominator parameter b1, b2, bq. There will be WJ is equal to 2^1 - BJ. And then PFQ, numerator parameter, a1 - c + 1, b - c + 1, means जो numerator parameter a और b थे उसमें से denominator parameter c कम हो रहा और एक जुड़ रहा है. तो यहाँ डिनोमिनेटर पैरामीटर बी जे ले रहे हैं, तो जितने न्यूमिनेटर पैरामीटर्स है a1 - bj+1, a2 - bj+1 एंड सोन a(p) - bj+1, ये अपने न्यूमिनेटर पैरामीटर बन जाएंगे. सर डिनोमिनेटर पैरामीटर की बात करते हैं अपन. तो जो डिनोमिनेटर पैरामीटर था उसमें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो c लिया था उसकी जगह हम यहां ले रहे हैं 2 - c. तो इसका मतलब जो bj ले रहे हैं उसकी जगह ले लेंगे 2 - bj. लेकिन और डिनोमिनेटर पैरामीटर है उनको हमें उनमें भी चेंजेज आएगा, और वो चेंजेज कुछ इस तरह का सा रहेगा. b1 - bj+1, b2 - bj+1, और हम चलेंगे bm - 1 - bj. दिस इज wj, तो दिस इज bj - 1 - bj एंड 2 - bj, bj+1 - bj+1, एंड लास्ट पैरामीटर विल बी bq - bj+1 एंड z. तो यहां पर हम जो गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सटेंशन किया है, और वो एक्सटेंशन कुछ इस तरह का सा दिख रहा है. और उसके जो सॉल्यूशन थे जहां पर गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के अंदर W0 और W1 दो सॉल्यूशंस आए थे, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, उसी प्रकार यहां पर W0, W1, W2, WQ टोटल Q+1 सॉल्यूशंस रहेंगे, और जहां WJ का मान जो रहेगा वो 2^1 - bj PFQ ऑफ सच टाइप एंड j रन फ्रॉम 1 - 2 Q. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर चेक करेंगे कि क्या हम जो ले रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको PFQ और जो W1, W2, WM जो मान रहे हैं अपन PFQ की टाइप्स, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं.